हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो खेमा। दिस इज खेमानंद। दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से नेहरू प्लेस में और जबरदस्त सा वीडियो लेकर के यहाँ पर। आज हम कवर करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस को। यहाँ पर सभी ग्राफिक कार्ड लगा दिए हैं, एनवीडिया और एएमडी दोनों। तो जो एएमडी के हॉट सेलिंग ग्राफिक कार्ड है वो भी लगा दिए। बहुत से लोग प्राइस पूछते रहते हैं, तो आज दोनों ही कवर करने वाले हैं। और उसके लिए मैं आया हूँ अमन भाई के पास, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है दिल्ली मुंबई दोनों जगह पे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कवर कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। हेलो भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, कैसे हो आप भैया? बहुत ही बढ़िया। तो कैसे चल रहा है भैया मार्केट? बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को आई है डाउनफॉल में, लेकिन ओवरऑल अगर ये मंथ की बात करें तो काफी अच्छा था। ठीक है, अब तो त्योहार आने वाला है, फिर तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे बहुत। पैसा ही पैसा होगा। तो भैया, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस। तो yes. कैसे चल रहे हैं अभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस? देखो, ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग बेसिकली बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हुई है, बहुत ही ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है ग्राफिक कार्ड्स में। और आज प्राइसिंग ऐसी हो गई है कि भाई हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मन में लड्डू फूटा। अगर कोई पीसी बिल्ड करवाना चाहता है, उसका बजट 50,000 रुपए है। पहले तो क्या हो रहा था, आज से एक साल पहले की प्राइसिंग इतनी हाई थी कि भाई 1650 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो रही थी तभी। लेकिन आज 50,000 का अगर आपका बिल्ड का बजट है तो आपको 1660 सुपर से लेकर के 2060 तक आपको मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर कॉन्फिगरेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। तो आप एक बार शॉप के बारे में बता दीजिए। हमारा जो स्टोर है वो लोकेट करता है दो स्टेट में। पहला स्टोर जो था मेरा वो मुंबई वाला है, अभी भी है वो, वहाँ पे एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड है। दूसरा स्टोर हमारा है नेहरू प्लेस दिल्ली में। दोनों जगह का आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। नेहरू प्लेस वाले का बेसिकली एक रफ एड्रेस बता देता हूँ आपको। अगर आप नेहरू प्लेस आ रहे हो, सत्यम सिनेमा की बैक साइड में आ जाओ, वहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक दिखेगा। जस्ट उसके अपोजिट में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्टोर का बोर्ड दिख जाएगा आपको, इन्फिनिटी गैजेट्स। और लैमिंगटन रोड की मैं बात करूं तो लैमिंगटन रोड पहुंच करके पुलिस स्टेशन, लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के सेंटर गेट के जस्ट अपोजिट में इन्फिनिटी गैजेट्स का, वहां पे भी आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिटी गैजेट्स बेसिकली हम लोग सभी लोग मिलकर के अराउंड 2 से 2.5 साल हो गया हम लोग के इस फर्म को ओपन हुए, मुंबई वाले और दिल्ली वाले को अराउंड इस अगस्त में 1 साल हो गया है। तो भाई 2 साल 2.5 साल से हम लोग पीसी बिल्ट ही करते जा रहे हैं और टचवुड है, कस्टमर्स का सपोर्ट है कि रुक ही नहीं रहे। थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पीसीज हम लोग बिल्ड कर चुके होंगे अब तक का। काफी सारी वीडियोज है हमारी ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो इन्फिनिटी गैजेट्स की सर्च आउट करके। हमारा खुद का भी चैनल है, वहां पे भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली यही है कि हम लोग वी आर लाइक ओल्ड प्लेयर्स इन दिस फील्ड। तो अगर आपको अपना पीसी बिल्ड कराना है तो जस्ट कम फॉर श्योर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस के। कहाँ से स्टार्ट करने वाले? देखो, ग्राफिक कार्ड बेसिकली छोटे ग्राफिक कार्ड भी आते हैं, जैसे 210 हो गया, 610 हो गया। तो 610 की अगर मैं बात करूँ तो ये 3,000 रुपए से ग्राफिक कार्ड स्टार्ट होता है 2GB वेरियंट में। अगर यहीं पे अगर मैं 4GB वेरियंट की बात करूँ तो 4GB वेरियंट कार्ड स्टार्ट होता है 3,800 रुपए से। इसके बाद अगर अच्छे कार्ड्स के बारे में बात करें जो बेसिकली गेमिंग में ज्यादातर यूज होते हैं, जो कि है 1650 सीरीज की, 1650 सीरीज जो स्टार्ट होते हैं की वैल्यू है 11,500 रुपए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे ही कार्ड के बारे में, जैसे हो गया 1660 सुपर सीरीज का, वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कार्ड चल रहा है आज की डेट में, 17,500 की प्राइसिंग चल रही है उसकी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं उसके और एक स्टेप वेरिएंट ऊपर 2060 सीरीज की, 2060 सीरीज की कार्ड की प्राइस चल रही है 20,000 रुपए। उसके बाद जो टॉप ट्रेंडिंग कार्ड है कौन सा चल रहा है आप ही बता दो, सबसे ज्यादा ट्रेंड आज की 2060 के बाद कौन से कार्ड का चल रहा है? 3060 यस, इलाइट कार्ड है, 12GB वेरिएंट कार्ड है, 12GB वेरिएंट 3060 कार्ड की प्राइसिंग 25,000 रुपए दे दूंगा मैं आपको एक्सक्लूसिव इन्फिनिटी गैजेट्स में। पीसी बिल्ड करते हो तो भी यही प्राइस मिलेगा, और अगर इंडिविजुअल कार्ड लेते हो तो भी यही प्राइस मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पीसी बिल्ड के साथ ही ये प्राइस मैं दूंगा, इंडिविजुअल भी आपको यही प्राइस दे दूंगा। इसके बाद 3060 Ti के बारे में बात करते हैं। 3060 Ti काफी ट्रेंडिंग कार्ड चल रहा है, अलग अलग वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 3060 Ti में जोटैक आपको मिल जाएगा, गीगाबाइट का ऑरस इलाइट मिल जाएगा आपको,
और गीगाबाइट सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ 3060 Ti ज़ोटैक के बारे में, दिस कार्ड इज़ फॉर 30,500 rupees। एंड अगर मैं बात करूँ ORS Elite के बारे में, दिस कार्ड इज़ फॉर 31,500 rupees। इसके बाद अगर ASUS सीरीज के कार्ड की तो 32,500 rupees मिल जाएगा। अब 3060 और 3060 Ti के इक्वलेंट लोग कार्ड ढूंढते हैं AMD वाला। अब अगर 6600 XT की मैं बात करूं, ये कार्ड आपको 19,800 रुपये का मिल जाएगा हमारे स्टोर पे। इसके बाद अगर इससे जो टॉप एंड मॉडल है वो है 6700 XT, जिन्हें 2K गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस एफिशिएंट कार्ड चाहिए वो ये लेते हैं, जिन्हें फुल HD गेमिंग करनी होती है 1080 pixels पे 8GB पे तो वो ये ले लेते हैं। और उसके बाद जिन्हें 6700 XT 4K पे गेमिंग करनी है वो ये लेते हैं। इस कार्ड की प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ 32,000 रुपये का ये आपको 6700 XT कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक और कार्ड 3070 के बारे में। 3070 कार्ड आपको 38,500 rupees का मिल जाएगा। उसके बाद 3070 Ti कार्ड की अगर मैं बात करूं वो आपको 45,000 रुपए में मिल जाएगा। ये बात हो गई 30 सीरीज के कार्ड के बारे में। अब बात करते हैं द लेटेस्ट कार्ड जो कि 4000 सीरीज चलती है, 4070 4060 4060 Ti और 4070 Ti। बेस कार्ड से बात करते हैं 4060, जिसकी वैल्यू आती है 28,000 रुपए। 8GB वेरिएंट कार्ड है, डिसेंट कार्ड है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है, लेटेस्ट के नाम पे बिक रहा है बट परफॉर्मेंस ना बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है 4060 Ti। 4060 Ti कार्ड जो है वो परफॉर्मेंस एफिशिएंट भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, वैल्यू फॉर मनी भी है, जिसकी वैल्यू आती है 37,500 rupees ऑनवर्ड। उसके बाद 4070 की मैं बात करूँ, 4070 में आपको मिल जाएगा 54,500 rupees से ग्राफिक कार्ड स्टार्ट है अलग अलग ब्रांड में। 4070 Ti की अगर मैं बात करूँ, 4070 Ti भी अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, गीगाबाइट आपको मिल जाएगा, MSI मिल जाएगा। MSI की मैं बात करूँ ये आपको 79,000 rupees में मिल जाएगा, गीगाबाइट की बात करूँ तो 77,000 rupees में मिल जाएगा। ये हो गया 4070 के बारे में बात। अब 4080 कार्ड आता है, 4080 आपको 1,06,000 ऑनवर्ड आएगा, और 4090 सीरीज का जो कार्ड है वो भी आपको मिल जाएगा, उस कार्ड की वैल्यू रहेगी 1,52,000, 1,52,000 rupees में 4090 सीरीज का कार्ड मिलेगा आपको। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ठीक है। तो इसके अलावा बाहर के कस्टमर के लिए क्या होता है? देखो बाहर के कस्टमर की हम लोग का पैन इंडिया डिलीवरी होती है, आपको कोई भी कार्ड परचेज करना है, कोई भी पीसी परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और वहां से कोऑर्डिनेट करके आप अपना गेमिंग पीसी अपने घर तक का डिलीवर करा सकते हो। हैसल फ्री डिलीवरी है, विथ इंश्योरेंस के साथ आता है कि रास्ते में कुछ टूट फूट जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फिनिटी गैजेट्स यानी कि हमारी होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और आप तक का पीसी सेफली पहुंचने तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज़ की होगी, और 3 साल का पूरा वारंटी सपोर्ट रहेगा। आपको पीसी में कोई दिक्कत आती है यू डोंट हैव टू गो एनी सर्विस सेंटर। अगर आप बाहर रहते हो तो हम कॉल पे कोऑर्डिनेट करके आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर भेज देंगे। अगर आप दिल्ली में या मुंबई में रहते हो कहीं पे पास में तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो इन्फिनिटी गैजेट्स में, वहाँ पे आपके पार्ट्स को निकाल करके खुद ही सर्विस सेंटर हमारे बंदे लेकर के जाएंगे और आप तक का परफेक्ट पीसी मिल जाएगा वापस आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ और बता दीजिए, ईएमआई का क्या फैसिलिटी है? ईएमआई हमारे पास मुंबई वाले ऑफिस में बजाज फाइनेंस की भी अवेलेबल है, और हमारे दिल्ली वाले ऑफिस में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारा फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। आप हैसल फ्री आपको फाइनेंस हो जाएगा, आप आ जाओ। ठीक है, एक चीज और बता दीजिए, सबसे चीपेस्ट गेमिंग पीसी कितने का मिल जाएगा? यार देखो गेमिंग एक्चुअल गेमिंग पीसी देखो एक्चुअल गेमिंग पीसी तो भाई 25,000 से 30,000 रुपए से स्टार्ट होता है, बाकी मार्केट में लोग 20,000 के नाम पे गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं। 7,000 में जो थर्ड जनरेशन i7 में, 7,000 में? अरे नहीं यार, देखो किसी की बुराई तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन एकदम क्लियर से एक बात बोलूंगा कि भाई 7,000 8,000 10,000 20,000 में गेमिंग पीसी नहीं आता है। i7 थर्ड जनरेशन लगा करके लोग ये समझ रहे हैं उनका पीसी i7 हो गया, नहीं, थर्ड जनरेशन इज द वेरी ओल्डेस्ट, केवल डब्बा वो लोग अच्छा दे दे रहे हैं, उसके अंदर मदरबोर्ड कौन सा लगा रहे हैं? जियोनिक्स का। गेमिंग पीसी ऐसे नहीं बिल्ट होते, गेमिंग पीसी बिल्ट होते एक रेपुटेटेड ब्रांड से, रेपुटेटेड कंपोनेंट से एंड वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट से। पीसी बिल्ट अगर 10,000 में ही हो रहे होते तो 1,00,000 रुपए कोई खर्चा नहीं करता। ये चूतिया बनाने वाला पूरा सीन चल रहा है हर जगह पे। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा, इस एथिक्स को हम लोग नहीं फॉलो करते। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक्चुअल गेमिंग पीसी चाहिए तो मतलब आपने
लगभग कितने लाख तक का मैक्सिमम गेमिंग पीसी बनाया होगा? यार 8-10 लाख का मैक्स आउट बनाया मैंने, और मैंने आपको बोला ना हजारों पीसीज बिल्ड हो चुके हैं, अभी याद भी नहीं है कि हम लोगों ने कितने पीसीज बिल्ड किए आज तक का, हजारों पीसीज बिल्ड हो चुके हैं 2.5-3 सालों में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपको जबरदस्त सा गेमिंग पीसी चाहिए एक्चुअल गेमिंग पीसी ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ, तो यहाँ पे आ सकते हैं इन्फिनिटी गैजेट्स में, दिल्ली मुंबई दोनों जगह पे। तो आज हमने सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस ले लिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।